मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीमा लक्ष्मी गार्डन से। आज मैं आपको लिली बोट लिली के प्लांट के बारे में बताऊंगी कि बोट लिली प्लांट इतना खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है कि आप उसको अगर जो एक बार घर पे अपने लगा दें तो परमानेंट के लिए प्लांट हो जाता है और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मैंने जो मदर प्लांट था बोट लिली का, उससे बहुत सारे जो प्लांट हैं तो मैंने तैयार किए थे, उसका ये नतीजा है। आप देखिए ये कितने खूबसूरत से हमारे बड़े बड़े हो गए और इसकी लीव्स इतनी लंबी हो गई कि थोड़ी सी शेडी एरिया में मैंने रख दिया था तो इसकी लीव्स लंबी होती चली गई। और ये फिर मुझे ये जब हवा आई, हवा आंधी चली, दो तीन दिन पहले इतनी ज़्यादा बरसात हुई, आंधी चली, तो इसमें हमारी लीव सारी टूट गई हर प्लांट की। देखिए इसकी कट के गिरी है क्योंकि इतना हार्डी प्लांट होता है ये, इतनी जल्दी इसकी लीव्स खराब हो जाती हैं अगर जो हवा चल गई या कुछ भी हुआ, थोड़ी सी लंबी हो गई। ये देखिए यहाँ से डैमेज भी है, यहाँ से देखिए लच्ची हुई है, और तो मैंने मुझे लीव्स तोड़नी पड़ी। और इस पौधे का एक खास बात है कि कैसे भी ये ग्रो हो जाता है, बीज से भी ग्रो किया जाता है और नीचे से निकाल के, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि ये जो नए नए प्लांट, नए नए से जो छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं उससे भी ग्रो हो जाता है। और तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था अपना एक मदर प्लांट मैंने निकाला, उसका मुझे एक इतना छोटा, इतना पतले डिब्बे में मैंने सबसे पहले प्लांट लगाया था जो नर्सरी से लाई थी, तो उसको मैं मुझे काट के निकालना पड़ा था और छोटे छोटे से मैंने डिब्बों में लगाया था। तो ये नतीजा है कि कितने खूबसूरत से हमारे प्लांट तैयार हो गए। और इसकी लीफ जो होती हैं देखिए, नीचे से पर्पल कलर की है, ऊपर से ग्रीन कलर की है। और एक और दूसरा पौधा होता है इसका, तो उसकी शेडेड लीव्स होती हैं, जैसे नीचे से पिंक है, ऊपर से थोड़ी सी लाइन पिंक आ जाती है, तो उस टाइप का मेरा प्लांट मेरे पास नहीं है बोट लिली का। और बहुत सारे लिली होते हैं, ये देखिए रेन लिली है, रेन लिली में तो फ्लावर खिला हुआ है, इतना खूबसूरत सा छोटा सा पॉट मैंने पौधा लगा दिया था और ये कितना अच्छा सा फ्लावर खिला है। और पीस लिली होता है, इसकी लीफ चौड़ी होती है, इसमें बहुत बड़ा सा फ्लावर निकलता है, हालांकि वो मेरे पास नहीं इस समय है। और गुलाब, इतना सुंदर सा गुच्छे वाला गुलाब मेरा आज खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। बरसात भी हो चुकी है, थोड़ी सी बरसात रुकी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और सारी बरसात की वजह से देखिए फ्लावरिंग बिल्कुल नीचे, फ्लावर नीचे झुक गए हैं। ये तो कल का फ्लावर था विस्कस का, तो गुच्छे वाला, तो ये देखो नीचे लटक गया, बाकी ये फ्लावर कितना खूबसूरत सा खिला है। जितनी बर्ड्स हैं उससे ज़्यादा मेरा ये पौधा, कितना छोटा सा पौधा है और कितना बढ़िया फ्लावर खिलता है। तो मैं अपने वीडियो के पास आती हूँ, तो ये अदेनियम देखिए इतना खूबसूरत सा अदेनियम खिला हुआ है। अदेनियम में कीड़ा लग गया था तो मैंने उसको हटाया और अब मेरा अदेनियम सेफ है। और अदेनियम की फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर हैं। और ये हमारे साइप्रस देखिए, साइप्रस बेल भी कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है, कितनी खूबसूरत सी ऊपर तक फ्लावरिंग हुई है। अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्लावरिंग, क्या फ्लावरिंग, क्या खूबसूरत इसका कलर होता है इन फ्लावरों का। तो मैं अपने वीडियो के पास ले चल रही हूँ, बना दूसरा वीडियो रही हूँ और मैं दिखाने कुछ और लगती हूँ। हालांकि मुझे ये देखिए, ये हमारा मॉर्निंग ग्लोरी का, मॉर्निंग ग्लोरी देखिए कितनी खूबसूरत सी, छोटा सा पौधा मैंने एक महीना पहले लगाया था, ये देखिए नतीजा क्या खूबसूरत है, वाइन इसकी चल गई और बहुत ही सुंदर हो। तो मैं पीस लिली के, ये बोट लिली के बारे में बता रही थी कि बोट लिली इसको क्यों कहा जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें बोट की आकार के, जैसे नाव नहीं होती है, बोट की आकार के इसमें फ्लावर का, ये जिसमें फ्लावर निकलता है वो उस तरीके से बन के आता है और ऐसा लग रहा है कि बोट में कोई बैठा हुआ हो। आप देखिए ये फ्लावर छोटे छोटे से निकलते हैं तो लग रहा है कि बोट, ये बोट है और बोट में कोई बैठा हुआ है, ये फ्लावर्स हैं, इसी फ्लावर के अंदर बीज होता है। तो अभी तो फ्लावर खिला हुआ, जब फ्लावर ये सूख जाता है तो इसी के अंदर बीज होता है, इससे हमारा दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं। और देखिए पूरी जगह जगह पे बोट की आकार के इसमें फ्लावर निकले हैं, फ्लावर का पूरा एरिया जो होता है जिसमें फ्लावर निकलता है वो बोट की आकार का है हर पौधे में, आप देखिए। और देखिए ऐसे लग रहा है कोई बैठा हुआ है, इसलिए इसको बोट लिली शायद कहा जाता है, ये मेरा मानना है। तो इसमें जगह जगह पर कितने खूबसूरत से फ्लावर खिले हैं वाइट कलर के, और ये लीव्स की तरह, लीव्स में अपनी लीव्स की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है।
और इसको इंडोर आप जब रखेंगे तो लंबा होता चला जाएगा। एक हफ्ते अगर जो इंडोर रखती है तो 2-3 दिन इसको धूप में रखिए, और धूप में रखने के बाद में बहुत ही खूबसूरती से चलता, क्योंकि मेरे पास 1 साल 1.5 साल का के पुराने मेरे पास प्लांट है, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ कि प्लांट कैसा है क्या है इसका। और सॉयल मीडिया जब मैंने बनाया था तो उसमें गोबर की सड़ी खाद में और थोड़ी सी सेंड मिला के और गार्डन सॉयल मिला के मैंने इसको लगा दिया था, और इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। देखिए नया प्लांट निकल रहा है, इसको अगर जो मैं निकाल के यहाँ से अगर लगाती हूँ, ये इस जगह से आप देख रहे हैं, इस जगह से इसको निकाल के लगाती हूँ तो दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत ही और सेकुलेंट प्लांट में होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लीव्स में होता है, तो इसमें पानी डालने की गमलों में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जाड़ों में तो इसमें पानी बहुत ही 10-15 दिन के बाद में पानी दीजिए तो तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत मोटी होती है, लीव्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और जाड़ों में तो उसको धूप में रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो धूप में नहीं रखेंगे तो उसकी रूट्स गलने लगती हैं और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। बस यही हमारा पीस लिली का, और इसमें कोई कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं, खूबसूरती में तो बहुत ही चार चांद लगाता है। लिली नाम ही ऐसा है कि लिली के जितने प्लांट होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और रेन लिली में इतना बढ़िया फ्लावर आता है, और पीस लिली में उससे अच्छा फ्लावर आता है। मैं पीस लिली का प्लांट लाऊंगी, और इसमें देखिए कितने सुंदर से ऐसे लग रहा है कोई नाव में बैठा हुआ है, और इसीलिए इसको बोट लिली कहते हैं। और इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती है, देखिए लंबी हो गई इसलिए देखिए झुकने वाली है, लेकिन मैंने इसको इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट दे दूंगी तो झुकेगी नहीं। जरा सा भी आप इसलिए लीफ को अगर जो थोड़ी सी ऐसे झुक गई तो तुरंत वहाँ से कट जाती है, और इतनी मुलायम इतनी सॉफ्ट इसकी लीव्स होती हैं, और ये बहुत ही सुंदर हमारा फ्लावर प्लांट है, सॉरी फ्लावर प्लांट है, फ्लावर भी तो आते हैं लेकिन इसको फ्लावर प्लांट भी कह सकते हैं, और इसको हम सकुलेंट प्लांटों में भी कह सकते हैं। और इसको ये आपको कहीं अपने घर का डेकोरेशन करना है तो आप कहीं भी इसको रख सकती हैं, थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रख सकती हैं, हफ्ते भर के लिए भी रख सकती हैं, उसके बाद में निकाल के और इसको बाहर धूप में रख दीजिए। और इसकी लीव्स बहुत ही सुंदर, लीव्स की वजह से बहुत खूबसूरत हमारा पौधा लगता है, और इसकी मिट्टी में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप एक बार अगर जो गार्डन ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि मैंने इसको जितना अपने गार्डन में लाने के बाद जितना इसको मैंने देखा है, और ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है, इसको मुझे बहुत ही पसंद है। इसलिए अब ये जो प्लांट इसमें छोटे छोटे से निकले हैं, इनको निकाल के मैं और प्लांट लगा दूंगी, और जो मुझसे कोई मांगता है मैं इसको दे भी देती हूँ। बहुत सारे मैंने कटिंग वगैरह जो तैयार की हैं, और जो मांगता है मैं उसको तैयार करके दे देती हूँ। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ऐसे ही आप भी बोट लिली का प्लांट एक बार नर्सरी से ले आइए, फिर आपके घर में बहुत ही छोटे से डिब्बे में लग जाते हैं। देखिए कितना छोटा सा डिब्बा है, छोटे से डिब्बे में इसको लगा सकते हैं, कैसे भी इतना छोटा सा डिब्बा है, देखिए 5 इंच से ज़्यादा नहीं, 6 इंच से ज़्यादा नहीं, उसमें कितनी बढ़िया, एक बार सॉइल मीडिया आपकी अच्छी सी बन गई तो आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरती से चल जाता। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही आप अपने गार्डन में नए नए पौधे लाइए, और हमको सपोर्ट करिए, और हमसे क्वेश्चन करिए, जो हमको क्वेश्चन आपकी अगर जो आप जिस क्वेश्चन को आप करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगी, और अपने मेरे पास पौधा होगा तो उसके बारे में मुझे बहुत ही जानकारी होगी, क्योंकि 2 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादातर बहुत बहुत तरीके के हमारे पास प्लांट हैं, तो ज़्यादातर उसके बारे में समझ चुकी हूँ, और मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।